पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को जल्द ही मिल पाएगा ई लाइब्रेरी का लाभ, घर बैठे ले पाएंगे हर तरह सुविधाओं का लाभ। वहीं जानकारी देते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय बताते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को घर बैठे ई लाइब्रेरी का लाभ मिल पाएगा, वहीं घर पर बैठे ही हर तरह के काम कर पाएंगे। न्यूज 18 पूर्णिया से विक्रम झा, आगे रिपोर्ट के लिए बने रहे, देखते रहे पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय क्या कहते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी छात्रों को खुशखबरी दे रही है कि ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलने वाली है। इससे छात्रों को क्या सुविधा मिलेगी और कब से ये शुरू हो रही है, इसके बारे में सर जानकारी दें। 12 दिसंबर को बिहार के महामहिम सर कुलाधिपति के आवास पर दरबार हॉल में इन्फ्लुनेट और बिहार सरकार के द्वारा यह समझौता हुआ है। इस समझौता के तहत में जो MOU मतलब सभी विश्वविद्यालयों के साथ है, उसका जैसे हस्ताक्षर हुआ, उसके माध्यम से अब विद्यार्थी को ऑनलाइन माध्यम से सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। विद्यार्थी जो भी सुविधा चाहेंगे उनको इस माध्यम से घर बैठे वह सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जैसे रिसर्च करने वाले छात्र हैं, उनको रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए तो उनको जो है सुविधा प्राप्त होगी। और विश्वविद्यालय को हमको इसका लिंक भी मिल गया है, लेकिन यह अभी कैसे इसको शुरुआत किया जाएगा इसके लिए छात्रों को, शिक्षकों को या अन्य जो कर्मी होंगे उन्हें इस पर शिक्षण भी किया जाएगा। लेकिन अभी जो यह समझौता हुआ है उस समझौता के तहत में जो फीचर्स हैं उसका धीरे धीरे यहाँ स्थापना किया जाएगा और फिर यह सुविधा सारे विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह भी मिलेंगे? जी बिल्कुल, यूजर आईडी मिलेगा। अभी विश्वविद्यालय को यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है और इसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे, पासवर्ड हम चेंज करेंगे और फिर इसका जो मतलब फिर अन्य विद्यार्थियों के लिए मतलब यह सुविधा कैसे दी जाएगी उसका दिशा निर्देश आते ही हम इसको जो है सो सार्वजनिक कर देंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर कि छात्र इसका लाभ? ये तो जिस तेजी से सरकार और राजभवन सक्रिय है उससे लगता है हमें कि जल्द ही यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी छात्रों को। क्या परिचय हुआ सर? घनश्याम राय, कुल सचिव पूर्णिया विश्वविद्यालय।